तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो भक्त पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर जमकर हमला किया जा रहा है और ट्रूडो सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कनाडा में मंदिर पर हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। सर, कनाडा में हिंदू टेम्पल पे जो अटैक हुआ है, जो वहाँ हिंदू लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उसमें क्या देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके ऊपर हमारा केंद्र पूरा का पूरा नज़र लगाए हुए है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है, वहाँ पे जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं उनको दो दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए, ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली